बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बादल फटने से मच गया बिजनौर में हड़कंप, डूब गया पूरा गांव, जिसे देख दहल गया दिल, लोगों के घरों में घुस गया पानी। बता दें कि पहाड़ों में मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से अचानक बादल फटने से कई गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों से होता हुआ पानी घरों में फसलों में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों बीघा फसलें चौपट हो गई हैं। बाढ़ की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूपी उत्तराखंड की सीमा से सटे बिजनौर के भोगपुर गांव में अचानक आज शाम तेजी से जंगलों से होता हुआ बारिश का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया। बाढ़ का पानी सड़कों व घरों में दाखिल हो गया, पूरा गाँव तालाब में तब्दील हो चुका है। सभी लोग खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन गांव वालों की मदद हो सके। और देखिए इस गांव के प्रधान के बेटे ने क्या बताया। नमस्कार, मैं मंगल सिंह कंबोज, ग्राम प्रधान भोगपुर। आज लगभग शाम को 4 बजे खैरागढ़ जोन और कालू शहीद जोन में बादल फटने के कारण कीकरी और करावली नदियों में बहुत ज़्यादा तेज गति से जो पानी आया है वो मेरे पूरे क्षेत्र जो गांव भोगपुर से होके निकला है, और इतनी भयंकर स्थिति है इस समय गांव के जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं, और कई हज़ार बीघा जो फसल है वो नष्ट हुई है, और जितने यहां पे जो समीपवर्ती नदियों के किनारे के जो कच्चे आवास या झुग्गी झोंपड़ी थे वो काफ़ी मात्रा में बह गई हैं। तो इस समय सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर रहने के लिए अलर्ट किया गया है, और ऐसी स्थिति में मेरी शासन और प्रशासन से ये गुहार है कि ऐसे हालातों में, ऐसी नाजुक स्थिति में आप हमारे साथ खड़े हों, मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े हों। जिन लोगों का प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। धन्यवाद।